नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं चंद्रकला बनाने जा रही हूँ। चंद्रकला बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रकला आप किसी भी तीज त्योहार में बना सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं चंद्रकला बनाना। उसके लिए मैंने 250 ग्राम खोया लिया है और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसको थोड़ी देर लगभग 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और फिर इसको मिला लेंगे हम। इसको थोड़ा अच्छे से इसमें मोइन लगाएंगे तो इसमें और थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, लगभग 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दें और फिर इसको मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तैयार करेंगे। देख रहे हैं आप, मोइन तैयार हो चुका है। ये अच्छे से मुट्ठी बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये मोइन हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंद लेंगे। ये आटा तैयार हो चुका है और इसको थोड़ा सख्त ही गूंदना होता है। अब इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं और आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इधर हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है। उसमें हम 4 चम्मच पिसी हुई चीनी और इसी में मैंने पीसते समय 4-5 काजू और 1 इलायची तीनों को पीस लिया था। चीनी, काजू, इलायची तीनों को पीस लेंगे मिक्सी में और फिर इसको खोया में मिला लेंगे। मैंने 4 बड़ा चम्मच चीनी लिया था और अच्छे से इसको मिला लेंगे। आप चीनी के साथ ही इलायची को पीस लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे लोई काट लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी पूड़ियां तैयार करेंगे। इस तरह से हम पूड़ियां बेल लेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट मिठाई होती है। आप राखी या किसी भी त्योहार में, मेन ये सावन के टाइम बनाया जाता है। और इस तरह से हम सारी पूड़ियां तल के तैयार कर लेंगे। आप दीपावली, होली, किसी भी फंक्शन में इसको बना सकते हैं और वैसे भी आपका कभी मन करे तो बना के खा सकते हैं। अब हम एक पूरी के ऊपर थोड़ा सा खोया डाल देंगे। लगभग 1 चम्मच के आसपास हम जो खोया बनाए हैं उसको डाल देंगे और इसके ऊपर उसको अच्छे से फैला लेंगे और दूसरी पूरी इस तरह से रख देंगे। इस तरह से इसको बंद कर देंगे, दोनों तरफ से सील कर देंगे दबा दबा करके। अब इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इस तरह से एक तरफ से दबा के थोड़ा सा दबाना है, एक तरफ से निकाल के फिर से दबाना है, एक तरफ से निकाल के फिर से दबाना है। इस तरह से आप इसको डिजाइन बना सकते हैं इसका। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ऐसे दबाते हुए इसको मिलाते जाएं, ऐसे दबाते हुए इसको मिलाते जाएं और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देख रहे हैं आप, ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार करेंगे। अगर आपको वैसे नहीं होता है तो आप कांटे से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से कांटे से भी अच्छा डिजाइन बन जाता है। इस तरह से हम कांटे से डिजाइन तैयार कर लेंगे। ये डिजाइन बन गया है, देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और उसी कप से 1 कप पानी लेंगे और इसको तेज आंच पे थोड़ी देर रखेंगे जब तक चीनी पिघले नहीं, और उसके बाद फिर इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। इधर हम फ्राई कर लेंगे चंद्रकला को। तो मैंने बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं रखा है, तेल गरम होना चाहिए और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करें,
नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई करना होता है और ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लेता है। देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, अब इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सारे चंद्रकला फ्राई कर लेंगे। इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है और मैंने एक जगह थोड़ा सा सेफ्रॉन और पानी को घोल के रख लिया था और इसको इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं चाशनी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं और ये कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चंद्रकला को डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी में लगा देंगे, पलट देंगे और एक मिनट तक हम चाशनी के अंदर चंद्रकला को छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से इसके अंदर चाशनी घुस जाए और फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। ये तैयार है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।